सबसे पहले बता देना चाहते हैं आप सभी से कि भोजपुरी में इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया है, ठीक है, जिसको नहीं कुछ आ रहा है वो भी कुछ कर दे रहा है और हाईलाइट हो जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं गाने बजाने वाले, लेकिन जो जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो कुछ करके कंट्रोवर्सी करके आगे चला जा रहा है। बात करेंगे खेसारी भैया की, जो कि मैंने एक गाना गवाया था आज से लगभग 11 मंथ हो गया, 11 महीने, ठीक है, और आशीष वर्मा जी के यहाँ डम्मी दिया था। तो आशीष वर्मा जी को जानते ही हैं आप लोग कि कितना फास्ट काम करते हैं अभी आज इस समय के डेट में। तो उस गाने को मैंने उठा के राज गाजीपुरी जी को दे दिया और उस गाने को बना दिए अच्छे से और खेसारी जी गा भी दिए, ठीक, और वही डम्मी आशीष जी के पास में था और वो उठा के आज प्रमोद प्रेमी भैया से गवा दिए हैं, गवा के रिलीज कर दिए हैं। मैं इसमें प्रमोद प्रेमी भैया को दोषी नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि उनको मिला वो गा दिए। इसमें सिर्फ आशीष वर्मा जी की गलती है कि जो गवा दिए हैं उनसे, और इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए इनको, आशीष वर्मा जी को। और गीत में अपना नाम दिए हैं, अपना म्यूजिक दिए हैं। अभी मैं कुछ देर, मेरा तो फोन उठा नहीं रहे थे, ना उठाए उनसे, चलिए अलग बात है, 10 बार लगाने के बाद से एक मेरा फोन उठाए हैं, उसके बाद से बोल रहे हैं कि अच्छा गलती ऐसे वैसे, और बोले कि आप सबूत दिखाइए, मैं सबूत दिखा रहा हूं आपको, और मैं भी बनारस में हूं, वो भी बनारस में है। तो बोल रहे हैं कि मेरा मोबाइल आपको पता ही है गुम हो गया, का दंगा फसाद ये सब लगे 3-5 बदिया ने। उसके बाद से मैं समझ गया कि बस चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं लाइव भी नहीं आता, लेकिन बस सच्चाई बताने के लिए आया, ताकि जो भी है भैया लोग आए हैं वो लोग हमको ना मान जाएं बुरा कि ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है, ठीक है। आशीष वर्मा जी को अगर देख रहे होंगे मेरा लाइव, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं आगे सुना ही था कि पता नहीं आगे भी विवाद किए हैं वो, क्या किए हैं क्या नहीं किए उनके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, वो सब पर्सनली चीजें उनका है, अगला पर्सन का है, लेकिन मेरे साथ आज किए हैं, ठीक है, तो मैं एकदम वाकिफ हूँ उनके इस सब व्यवहार से कि वे वैसा ही शायद किए होंगे पहले भी, क्योंकि मेरा गाना है। मैं जब बोला सबूत मांगा उनसे, तो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा गाना थी डिलीट हो गया ये सब, तो आप गरिया लो मुझे, आप अपना भड़ास निकाल लो, गरिया के ऐसी कर लो, मैं क्यों गाली दूंगा आपको। वो कंट्रोवर्सी करने के लिए शायद हमको लग रहा है ऐसा काम किए होंगे, ठीक है, और मुझे जो भी बकरा बनाया जा रहा है बीच में ये अलग बात है, लेकिन कंट्रोवर्सी के लिए वो काम ऐसा किए हैं।